सो गाइज, माय नेम इज़ आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। आज के AEW के ऑल इन पेपर व्यू में हमें विम्बले स्टेडियम में हमें क्रिस जेरिको वर्सेस विल ओस्प्रे का मैच काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो इसी मैच के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो और चलिए सेल वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि विल ओस्प्रे के होम कंट्री में ये वाला मैच हो रहा है, विल ओस्प्रे वर्सेज मतलब क्रिस जेरिको का। क्रिस जेरिको ऐसे सुपरस्टार है जो कि काफ़ी सारे कंपनी के लिए काम कर चुके हैं, जैसे कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के लिए, WWE के लिए, ऑल एलीट रेसलिंग के लिए वो करंट में काम कर ही रहे हैं। एक और कोई कंपनी थी जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद रिंग ऑफ ऑनर या WCW थी, जिसके लिए वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, यानी कि चौथी कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं और ये हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं वहाँ की। चार कंपनी में वो पास्ट में काम कर चुके हैं, चौथे में वो भी कर रहे हैं। तो आज के AEW के ऑल इन पेपर व्यू में हमें क्रिस जेरिको वर्सेस विल ओस्प्रे का मैच देखने को मिल रहा है। तो जो भी हो इस गाइज इस वाले मैच का रिजल्ट, लेकिन गाइज ऑड्स की बात की जाए तो ऑड्स में और किसी के नहीं बल्कि विल ओस्प्रे के नाम चल रहे हैं कि वो अपने होम कंट्री का एडवांटेज लेके क्रिस जेरिको को हराएंगे। और गाइज अगर स्क्रिप्ट में लिखा होगा, यानी कि स्क्रिप्ट में लिखा होगा क्रिस जेरिको को हारना, तो संभव क्रिस जेरिको हारेंगे ही, और क्यों ना हारे भाई, उनका एज खत्म हो चुका है। अब वो दूसरे सुपरस्टार को पुश करेंगे आगे और उनके करियर बनाएंगे और रेसलिंग इंडस्ट्री का जो नाम है उसको वो लोग आगे लेके जाएंगे। तो हो सकता है कि इस वाले मैच का यही रिजल्ट हो, विल ओस्प्रे इस वाले मैच को जीतने वाले हैं।